हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मुस्कान किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल के क्रिस्पी और टेस्टी मंगोड़े, जो कि बारिश और सर्दियों के मौसम में बहुत पसंद किए जाते हैं। तो आइए अभी उन्हें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ली है छिलके वाली मूंग दाल, जिसको हम नॉर्मल पानी में 5 से 6 घंटे के लिए गला लेंगे। आप चाहें तो आप इसे गर्म पानी में 2 से 3 घंटे के लिए भी गला सकते हैं। इसके ऊपर के थोड़े से छिलके निकाल कर इसको दरदरा पीस लेंगे। तो देखिए, हमने इसे पीस लिया है और अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे। तो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं अदरक 2 to 3 टेबलस्पून, हरी मिर्च 2 to 3 टेबलस्पून, आप इसे अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर सकते हैं, सौंफ, नमक, हींग, धनिया, पालक। तो चलिए अब हम इन्हें बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे सौंफ, अब इसमें डालेंगे हम हरी मिर्च। आप अपने टेस्ट के अनुसार और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे अदरक, नमक, आप इसे अपने स्वाद अनुसार ही ऐड करिए, हींग इसे आप ज़रूर से डालिएगा क्योंकि डाइजेस्टिव होती है और इसका स्वाद भी अच्छा आता है। धनिया, पालक, इससे ये बहुत क्रंची बनते हैं और इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए अब हम इन्हें मिक्स करते हैं। अब हमारा मिक्सचर तैयार है और हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तो हमने गैस को लो फ्लेम पर रखा है और हम इसे डीप फ्राई कर रहे हैं। हम बीच में इसको चलाएंगे और लाइट ब्राउन होने तक इसे फ्राई होने देंगे। तो देखिए, ये लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब हम इन्हें तेल से निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे मंगोड़ी कितनी झटपट तैयार हो गई है और खाने में कितनी स्वादिष्ट भी है। आप भी बना के खाइए और बताइए कि कैसा लगा। और हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।